आज की इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ डरफेस्ट का। इसका लास्ट रिव्यू 7 से 8 मंथ पहले करीब बनाया हुआ था, उसके बाद बीच में एक अपडेट आया था तो उसका बनाया नहीं था। और रिबेस्ट भी जैसे कि ये हुआ है डरफेस्ट, अभी मी 11X, पोको F3 और रेडमी K40 के लिए ये वीडियो जो है कंप्लीट बनाने वाला है। यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, कौन कौन सा फीचर या बग है, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बैटरी बैकअप कैसा, उन सभी के बारे में और गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि डरफेस्ट का ये ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है, QPR3 पे बेस्ड, और इसका जो सिक्योरिटी पैच है 5 अगस्त 2023 का है, बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। कर्नल इसके अंदर हमें जो है नेक्सस का वर्जन 20 कर्नल देखने को मिल जाता है और सेलेनेक्स स्टेटस इनफोर्सिंग रहने वाला है। तो ये चीज़ें फिलहाल अबाउट फोन मिलती है। अब बात करें एनिमेशन को लेकर के, तो नॉर्मली एनिमेशन आपका जो है इसके अंदर कभी कभार लाइट लैग करता है, बाकी ये बाय डिफॉल्ट जो ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हो इसका 85% बाय डिफॉल्ट ही रहता है, जो कि सेटिंग से आप अपने आप चेंज भी कर पाओगे। बाकी ब्लूटूथ पर आपको पॉपअप सेटिंग मिल जाएगा, हेडर इमेज इन सब के बारे में आगे बात करेंगे, एडवांस रिबूट मिलता है। बाकी एडिट में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे टाइल्स मिलते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही टाइल्स देखने को मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी आपको यहाँ पर काम के मिल ही जाएंगे। तो ये सब टाइल्स आपको इसके अंदर काफ़ी मिलेंगे। वहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे HEVC मिल जाता है, स्किप टाइमर फिलहाल देखने को हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। और अगर बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में कैसा रहने वाला इसका यहाँ पे लैग, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में काफ़ी लाइट सा जिटर करता है, बिल्कुल स्मूथ नहीं रहने वाला है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा जिटर करने वाला है, लेकिन काफ़ी कम रहता है वो। वॉल्यूम पैनल यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, बाकी ऐप ओपनिंग यहाँ पे ज़रूर अच्छा रहने वाला है, ऐप ओपनिंग को लेकर के कोई दिक्कत नहीं, ऐप ओपनिंग आपको अच्छा मिल जाएगा, स्मूथ है। और रिसेंट पे यहाँ पे जो है अगर आप स्क्रीनशॉट जैसे कि कैप्चर करते हो तो यहाँ पे एडिट के अंदर जब इसके जाओगे तो यहाँ पे जो ब्रश है इसका कलर आपको चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि QPR3 में अभी ये लेटेस्ट में यहाँ पे भी आपको चेंजेस मिलते हैं। और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगा जो कि यूज़ आप कर पाओगे अच्छे तरीके से, तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो इसके अंदर आपको अपर्चर एक तो कैमरा देखने को मिलेगा, ये जो है एक कैमरा आपको मिल जाएगा, दूसरा लाइका था, दो प्री इंस्टॉल कैमरे मिलते हैं। लाइका वाला भी इसका अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग, पिक्चर क्लिक, ये सब जो है आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पे कैमरे को लेकर के नहीं आ रही, कैमरा बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है। बाकी थर्ड वाला जो है थर्ड पार्टी यानी कि जो है मैनुअली इंस्टॉल किया इसको गूगल कैमरे को, जो कि ये भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। डॉल्बी एटमॉस इसके अंदर आपको मिल ही जाता है, काम कर रहा है। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट ये भी जो है देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और इसके अंदर हमें जो है कोई भी गैलरी प्री इंस्टॉल नहीं आती है, तो गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, अनलिमिटेड स्टोरेज उसके अंदर मिलता है, कोई भी गैलरी प्री इंस्टॉल आपको नहीं मिलेगी, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। बाकी एक डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर भी इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला था, ये भी प्री इंस्टॉल ही देखने को मिलता है। बाकी प्ले स्टोर आपको यहाँ पे सर्टिफाइड मिलेगा, इसको लेके उसे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो सेफ्टी नेट है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पास आता है, तो बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे, उसको लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड वॉलपेपर स्टाइल के अंदर भी यहाँ पे जो वॉलपेपर है ये सब इसके ही वॉलपेपर मिल जाते हैं, साथ में कलर सभी हालांकि लेटेस्ट नहीं मिलता, प्रीव्यू भी वॉलपेपर सेट करने का भी लेटेस्ट नहीं मिलता, QPR3 वाला जो अभी मिल रहा है बाकी में। बाकी यहाँ अपग्रेड मिल जाएगा, थीम आइकन है, सिस्टम आइकन पैक मिल जाएगा, सिस्टम फॉन्ट है, आइकन सेप है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसके यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल के अंदर देखने को मिल जाते थे, ये पूरा यहाँ पे फिलहाल रहने वाला है। अगर बात करें लॉन्चर की तो यहाँ पे लॉन्चर में आइकन पैक है, ड्रॉयर पे थीम्ड आइकन इनेबल कर पाओगे ये आपको मिल जाएगा नीचे, फिर ड्रॉयर बैकग्राउंड ऑपेसिटी के लिए है, आइकन साइज़ के लिए, फॉन्ट साइज़ के लिए मिल जाएगा, एड ग्लेंस भी है नीचे, फिर आपको स्क्रॉल वाइब्रेशन भी मिलता है रीसेंट के लिए, रीसेंट बैकग्राउंड ऑपेसिटी को भी कंट्रोल कर पाओगे नीचे, लॉक लेआउट है, बाकी वॉलपेपर स्क्रॉलिंग वॉलपेपर जो कि शॉर्ट पैरेलैक्स सिंगल पेज सेंटर या वॉलपेपर के लिए ये मिल जाएंगे, डार्क स्टेटस बार है, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप है, ये सब मिल जाएगा। अब बात करें कॉलिंग की तो कॉलिंग के अंदर आपको कैरियर वीडियो कॉल का बग मिलता है, वाईफाई कॉलिंग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है बट अलर्ट कर देता है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस इसके अंदर मीडिया और कॉलिंग दोनों पर ही अच्छे से काम कर रहा है। और अब बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 90% जो है बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिली है, और चार्जिंग देखोगे तो 67% चार्ज होने में 1 आवर 9 मिनट का जो टाइम है वो इसके अंदर लगा हुआ है, और ड्रेनिंग में यहाँ पे 55% नाइट में था, और मॉर्निंग में जो है जब देखा था तो 52% देखने को मिला, यानी कि नाइट में जो है मुझे 3% का बैटरी ड्रेन इसके अंदर देखने को मिला है। और अब बात करें सेटिंग्स की, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सिम में आपको आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वो वाईफाई वो 5G का ऑप्शन इनकी वो मिल जाएगा, प्रेफर नेटवर्क 5G है, 5G काम भी करता है, बस लेटेस्ट रिकमेंडेड FW यूज़ करना जो कि डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वाईफाई कॉलिंग तो काम करता ही है, इसको इनेबल कर लेना।
एंड हॉटस्पॉट के अंदर आपको यहाँ पे 6 GHz तक का बैंड्स आपको देखने को मिलता है, अच्छे से काम कर रहा है। प्राइवेट DNS में आपको क्लाउड फ्लेयर मिल जाएगा। बाकी कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर हमारा जो कास्ट है ये बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग रहेगा, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। और ऐप्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जैसे कि नीचे आपको पैरेलल स्पेस मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, तो इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। डुअल ऐप क्रिएट कर पाओगे क्लोन यानी कि ऐप के, वो बिल्कुल यहाँ पे काम करते हैं, तो इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर ऊपर आपको यहाँ पे असिस्टेंट मिल जाता है जो कि ओके गूगल भी इसके अंदर वर्किंग है, तो इसको लेकर दिक्कत नहीं। गेम स्पेस मिल जाता है, लेटेस्ट पूरा रहेगा, बाकी इंटरफेस आगे गेम में मैं उस टाइम दिखा दूंगा। और लॉन्चर ऑलरेडी आपको बता ही दिया हूँ, डर्फ लॉन्चर मिलता है, बट जो चीज़ें मिलती है वो ऑलरेडी आपको बताया। डर्फ फेस के अंदर स्टेटस बार में बैटरी स्टाइल में आप जाओगे बैटरी सेटिंग में, तो यहाँ पे बैटरी स्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। और लेटेस्ट iOS 15, 16 और नीचे MIUI के सब जो लास्ट के चार हैं ये भी लेटेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। रीसेंट मिल जाएगा बैटरी परसेंट यानी कि, बाकी आपका यहाँ पे क्लॉक सेटिंग्स है जिसमें बैकग्राउंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आराम से। स्टेटस बार आइटम्स मिल जाते हैं, यहीं पे वोल्ट आइकन है, बाकी आपका ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया। एंड मिसलिनियस है जिसमें स्टेटस बार लिरिक है जिसमें आपका ये सिर्फ सपोर्टेड एप्लीकेशन पे काम करेगा। लोगों के लिए भी मिल जाता है, कस्टम तो नहीं बट लोगों आपको लगाने के लिए मिल जाएगा। कलर आइकन है, वाईफाई टाइप आइकन है, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस का भी है। एंड सेपरेट सिग्नल आइकन जो यहाँ पे दिया गया, इसको इनेबल करोगे तो आपका सिग्नल आइकन शो करने लग जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हाइड रहता है। एंड QoS पैनल के अंदर नोटिफिकेशन में रेडिकर जैसे नोटिफिकेशन रेडी जाना जाता है स्लिम देखने को मिलता है। वहीं नेक्स्ट हमारा क्विक सेटिंग्स है जिसके अंदर आपको हाइड QoS इन सिक्योर लॉक इन मिल जाएगा। रिक्वायरिंग अनलॉकिंग टू सेंसिटिव टाइल है एंड वाइब्रेट टू टच है टाइल के लिए। बाकी ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी जो कि 85% था, अभी यहाँ पे बिल्कुल 100% कर दिया हूँ। एंड QoS हेडर इमेज जो कि यहाँ पे 33 हमें देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से QoS हेडर इमेज को भी आप चेंज कर पाओगे। लास्ट में कुछ इमेज में सिर्फ कलर आपको देखने को मिलता है। बाकी टाइल लेआउट के लिए ब्राइटनेस लैडर की सेटिंग्स मिल जाती है, और यहाँ पे बैटरी स्टाइल मिल जाता है क्विक सेटिंग्स के लिए जो है QoS के लिए। एंड क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन के लिए बैकग्राउंड मिल जाएगा, स्टाइल मिल जाएगा। सो QoS फूटर जो कि यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो आपके फूटर पे वहाँ पर शो करेगा। एंड टाइल एनिमेशन के लिए मिलता है। बाकी लॉक्सिंग के अंदर लॉक्सिंग UI है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन बाइबिशन मिलता है। डिसेबल रिफल इफेक्ट का मिल जाता है, इसे एनिमेशन आप फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का डिसेबल कर पाओगे। लॉक्सिंग क्लॉक फॉन्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। चार्जिंग एनिमेशन नीचे है, चार्जिंग इन्फो है, टेम्परेचर है, मीडिया कवर आर्ट है, ये सब मिल जाएगा। बाकी लॉक्सिंग शॉर्टकट में शॉर्टकट्स ही रहने वाला है यहाँ पे। लॉक्सिंग जो कि अंबिन डिस्प्ले का दिया गया, तो इसमें ऑलवेज ऑन बैटरी बार वैन चार्जिंग है, ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वहीं हम चलते हैं सिस्टम की तरफ, तो जनरल में सिर्फ आपको एंड्रॉयड पी एनिमेशन देखने को मिलता है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कस्टमाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे UI स्टाइल देखने को मिलेगा, सभी में कलर भी आपको देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है, यही कलर अप्लाई होने वाला, तो एक तरीके से प्रीव्यू भी आपको बाहर में मिल जाता है, तो अप्लाई किए बिना ही आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ से। बाकी एडवांस मोनेट सेटिंग्स मिल जाता है जिसमें आपका ये पूरा लेटेस्ट है। हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स हमें यहाँ पे मिलता है, साथ साथ ब्रांड स्लाइडर स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। जैसे कि मैं फील्ड वाला यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कुछ सेकंड में आपका ये अप्लाई हो जाता है बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं। नेविगेशन बार स्टाइल ये भी काफ़ी मिलते हैं। आइकन पैक आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। वाईफाई आइकन स्टाइल भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से सिग्नल आइकन भी देखोगे तो इस तरीके काफ़ी मिल जाएंगे। आइकन शेप मिल जाएगा और नीचे फिर QoS टाइल थीम मिल जाता है। हालांकि इसमें कुछ कुछ टाइल्स अगर थीम सेलेक्ट करोगे, अगर ब्राइटनेस स्लाइडर अगर आप चेंज कर रखे हो तो इसमें कुछ में आपको डिफॉल्ट हो जाता है, जैसे कि आउटलाइन वाले में ब्राइटनेस स्लाइडर भी हमारा डिफॉल्ट हो चुका है। तो कुछ थीम पे जो है यहाँ पे जो है आपका जो अप्लाई किया ब्राइटनेस वही रहेगा, कुछ पे डिफ़ॉल्ट कर देता है ये अप्लाई करने बाद QoS जो टाइल थीम है। बाकी पल्स में आपको पल्स यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ कुछ ऐसा चेंज फिलहाल नहीं है। और अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लोग या नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन जैसे हेडसअप का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहीं पे। एंड ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल का भी यहीं पे दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर में ही। बैटरी के अंदर यहाँ पे बैटरी यूजेस दिया गया, पिक्सल वाला मिल जाता है। बाकी बैटरी चार्जिंग वार्निंग का आपको मिल जाएगा जो कि ये भी काम कर रहा है। बैटरी सेवर भी है, रिड्यूस रिफ्रेश रेट, एक्सट्रीम बैटरी सेवर, ये सब आपको मिलेगा। फास्ट चार्जिंग का भी टॉगल यहाँ पे दिया गया, तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर पाओगे। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, ब्लॉक सेंसर है, बैटरी टेम्परेचर और थर्मल प्रोफाइल, ये हमें यहाँ पे मिल जाता है। और अब आपको स्टेटस बार पे न्यू चार्जिंग एनिमेशन भी मिलेगा, जैसे कि लेटेस्ट जो कि अब QPR 3 के अंदर मिल रहा है एनिमेशन चार्जिंग के टाइम पे, वो आपको मिलेगा। वहीं साउंड एंड वाइब्रेशन में सेपरेट रिंग एंड नोटिफिकेशन मिल जाता है। मल्टीपल सिम पे रिंगटोन आप लगा पाओगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे फिर आपको यहाँ पे वाइब्रेशन हैप्टिक है जिसमें रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न कस्टम वाला भी मिल जाता है, और ये अच्छे से काम कर रहा है। एडिप्टिव साउंड भी, इससे फ़ोन की स्पीकर क्वालिटी इंप्रूव होती है। बाकी स्मार्ट पाउज मिल जाएगा। नीचे फिर आपको यहाँ पे मीडिया दिया गया है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका प्ले पाउज पे एनिमेशन मिलेगा। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर बाकी के साउंड के ऑप्शन जो है यहाँ पे
रहने वाले। नीचे फिर पर है वॉल्यूम कंट्रोल है और नीचे डायरेक्ट साउंड इनसर्ट दिया गया जो कि बिल्कुल काम कर रहा है, लेटेस्ट प्रीसेट्स के साथ में आता है। और क्लियर स्पीकर जो है ये भी हमें मिल जाता है यहाँ पे। बाकी डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एडिप्टिव ब्राइटनेस के अंदर आपको जो है यहाँ पे 100 ऑटो ब्राइटनेस रीसेट प्रेफर है आपको मिलेगा। लॉकिंग के अंदर आपको 100 QoS स्कैनर चाहिए तो वो भी आप इनेबल कर पाओगे। एंड एम्बिएंट डिस्प्ले जो कि एज लाइटिंग है वो आपको मिल जाएगा। एंड ऑलवेज ऑन टाइम इन्फो ये भी यहाँ पे है ऑलवेज ऑन, जो कि बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल्स भी है, ऑलवेज ऑन वैन चार्जिंग भी मिल जाएगा, म्यूजिक टीकर एम्बिएंट डिस्प्ले है, बैक्स इन्फो नोटिफिकेशन है, तो ये सब आपको लॉकिंग में मिलता है डिस्प्ले के लॉकिंग के अंदर। डार्क थीम में आपको यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगा, बाकी तो फिनिशिंग नाइट लाइट और कलर्स की बात करें या लाइव डिस्प्ले की तो ये सभी आपके काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। रोटेशन मोड मिल जाता है, जो फ्लोटिंग रोटेट बटन है उसको भी आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाओगे, लॉकिंग का भी रोटेशन आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाओगे। नीचे फिर रिफ्रेश रेट है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम प्रेफर्ड ये आपको रिफ्रेश यहाँ पे मिल जाएगा 60 और 120 हर्ट्ज़ का। टैप टू बैक वर्किंग है, डेंटल बैकअप है, टैप टू स्लीप है, बैक ऑन प्लग है, ब्लर को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे, डिस्प्ले कटआउट भी यहीं पे मिलता है तो यहाँ से हाइड नोच भी आप आराम से कर पाओगे, डेवलपर ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी पॉकेट मोड है, बाहर में फिर एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाएगा, पर रिफ्रेश रेट है, डीसी डिमिंग दिया गया है और हाई ब्राइटनेस मोड का भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पे हैं। बाकी एसएसडी के अंदर वैसे आपको एक्स्ट्रा डिम देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे रहेगा एक्स्ट्रा डिम हमारा। एंड सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे फिर डिसेबल फिंगरप्रिंट लॉकआउट मिल जाता है, जो कि गलत फिंगरप्रिंट डालते हैं तो परमानेंट लॉक भी हो सकता है, पहले वार्निंग देगा 30 सेकंड का, इस तरीके का जो है ये आपको यहाँ पे मिलता है ये ऑप्शंस। एंड नीचे फिर ऑटो रिबूट है, यानी कि इसमें से जो भी टाइम आप सेट करते हो उतने टाइम में अपने फ़ोन को आप अनलॉक नहीं करते तो डिवाइस आपका रिबूट हो जाएगा एक बार। एंड बाकी फिर यहाँ पे अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्ट जो कि यूएसबी के लिए दिया गया है ये भी यहाँ पे मिल जाता है। और मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो ऐसे ये तो ये रोम आपका इंक्रिप्टेड ही आता है, मैं डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ, ये इंक्रिप्टेड आएगा। बाकी यहाँ पे पैनिक सेटिंग्स भी दिया गया बट इसके अंदर कोई एप्लीकेशन शो करता नहीं अभी हालांकि, तो इससे ट्रिगर जब भी आप करोगे तो आपका एप्लीकेशन पे जो भी सेट रहेगा एग्जिट के लिए या फिर डायरेक्ट डिलीट के लिए इंस्टॉल के लिए वो आपका हो जाता है। यहाँ पे टाइल्स पे भी वैसे ये दिया गया है बट इसके अंदर एप्लीकेशन अभी हमें देखने को मिलते नहीं, कोई शो ही नहीं करता। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिलता है और पैटर्न साइज मिल जाएगा, पिन पे स्क्रैम्बल लेआउट भी उसे मिलेगा। पहले हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट के बारे में, तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी अच्छा स्मूथ काम करता है, एनिमेशन तो ऑफ कर रखा हूँ, बाकी यहाँ पे फेस अनलॉक इसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा। और जैसे कि सेटिंग में देखोगे तो स्क्रैम्बल लेआउट इसे नंबर पोजिशन हमारा चेंज होता है बट यहाँ पे इनहैंड पिन प्राइवेसी ये बिल्कुल न्यू है और इससे आपका जैसे कि एनिमेशन जो है डिसेबल हो जाता है, यहाँ पे एंटर करते टाइम पिन ये डिसेबल हो जाता है। बाकी अनलॉक यहाँ पे क्विक अनलॉक जो है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इनेबल हुआ पड़ा है, ऑप्शन नहीं बट बाय डिफॉल्ट इनेबल हुआ पड़ा है, तो ये चीज़ें हैं। और ऐप लॉक के अंदर सिस्टम एप्लीकेशन सपोर्टेड है, एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ वाला ऐप लॉक यूज़ करना, इसके अंदर से हाइड भी आप कर पाओगे ऐप को, लॉन्चर वाला यूज़ मत करना। बाकी ऑटो लॉक टाइम आउट 5 सेकंड से 30 मिनट तक का देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ें रहेंगी। नीचे डिजिटल बल्बिंग का सपोर्ट है, सिस्टम के अंदर लैंग्वेज में जाते हो तो ऐप लैंग्वेज यहाँ पे 5-6 एप्लीकेशन पे सपोर्टेड है। जेस्चर के अंदर क्विक टैप यानी कि बैक टैप जेस्चर जो है वो आपको मिलेगा, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट यहीं पे है। सिस्टम नेविगेशन के अंदर यहाँ पे बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स की सेटिंग्स मिल जाती है, हैप्टिक फीडबैक है एंड हाइड कर सकते हो जेस्चर बार को, जेस्चर बार लेंथ कंट्रोल कर पाओगे, रेडियस कंट्रोल कर पाओगे और बैक जेस्चर एरो जैसे कि अभी फिलहाल लेटेस्ट मिलता है इसका प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन डेवलपर ऑप्शन मिलेगा बट कुछ ही जगह पर अभी फिलहाल ये काम करता है, सभी जगह काम नहीं करता जो कि कई सारी रोम्स मैं आपको वीडियोज़ में ऑलरेडी बता रखा हूँ। 3-बटन नेविगेशन अगर आप यूज़ करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जेस्चर और बटन दोनों ही आपके स्मूथ काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत इनमें आपको नहीं मिलेगी। एंड प्रेस एंड होल्ड पावर बटन यहाँ पे मिल जाता है, इसके नीचे ब्राइटनेस कंट्रोलर यानी कि स्टेटस बार पे डायरेक्ट स्लाइड करके आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे। बाकी रिंगिंग है, फिर बटन के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है टास्क बार, इसके लॉन्चर में नहीं यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से इनेबल आप कर पाओगे। और नीचे फिर डिसेबल पावर मेन्यू और लॉकिंग है, पावर मेन्यू यहीं पे सेटिंग्स है जिसमें एडवांस रिस्टार्ट इनेबल कर पाओगे। और नीचे फिर बाकी लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च या फिर वॉल्यूम बटन से रिलेटेड ऑप्शन है, सो वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट कंट्रोल प्लेबैक ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाहर में यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है, डेवलपर डर्प अपडेट जो है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। बाकी हाइड नोच तो इसके डिस्प्ले सेटिंग में है। बाकी एंटूटू स्कोर यहाँ पे 9,36,939 हमें देखने को मिला है और इसका जो सीपीयू थ्रो रेट है 90% मिला है और इसका जो जिप स्कोर है मैक्स पे 2,30,000 मिला है। एवरेज स्कोर में जो है 2,21,000 देखने को मिला है। गीगबेंच स्कोर इस बार में सिंगल की बात करें तो 1,293 मिला है और मल्टी स्कोर में 3,381 जो है स्कोर देखने को यहाँ पे इसमें मिला हुआ है। और बूट एनिमेशन जैसे पहले मिला करता था हालांकि वही रहेगा लेकिन फिर भी कंप्लीट करो तो अब यहाँ पे ये चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट अपडेट से जो भी सिर्फ चेंज होंगे सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे फिलहाल आपका ये जो बूट एनिमेशन ये रहेगा और रोम अगर आपको इंस्टॉल करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टॉलेशन वीडियो है
और यहाँ पे जो गेम स्पेस हमारा है कुछ इस तरीके का मिलता है, मोड है, FPS इन्फो के लिए मिल जाएगा, स्टे बैक है नोटिफिकेशन के लिए, तभी फिलहाल ये ऑप्शन ही मिलते हैं यहाँ पे। और ग्राफिक में आपको अल्ट्रा HD तक अनलॉक मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे HD के बाद जो है आप जैसे कि न्यू अपडेट के बाद BGMI के वार्निंग देता है कि ज़्यादा हाई ग्राफिक भी जैसे कि हीट उट होने का वो सब, तो वार्निंग अपनी तरफ से देता। बाकी अल्ट्रा HD तक अनलॉक है 90 पे सभी फिलहाल, जैसे कि अभी फिलहाल BGMI में भी देखने को नहीं मिल रहा, न्यू अपडेट में 7 तक फिक्स किया जाए, बट अभी फिलहाल तो फिक्स नहीं हुआ एंड्रॉइड के लिए BGMI जब से आया। बट स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे मैं ज़्यादातर वैसे खेलता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस को लेकर के, तो परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिली, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। डिफॉल्ट कर्नल के साथ भी अगर हम बात करें तो क्लासिक हो या TDM में तो ऐसे ही आपका स्मूथ रहेगा, बट अगर क्लासिक की भी बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल जाता है डिफॉल्ट कर्नल के साथ में, तो परफॉर्मेंस अच्छी है इसके अंदर में यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस को लेकर के फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। क्लोज रेंज फाइट में हल्का फुल्का होता ज़रूर होता है, बट उससे आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होने वाली नहीं है, कोई हैवी खतरनाक लैग नहीं होता है, तो उतना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके का आपके यहाँ पे रहने वाला फिलहाल यही था इसके इस वीडियो में। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ साथ अगर आप नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।